हेलो गाइस, यार कैसे हो आप सभी लोग। तो यार जैसे कि आज इस वीडियो में मैं यूपी गवर्नमेंट की तरफ से हो रही बहुत बड़ी गलती को लेकर के इस वीडियो में लास्ट तक बात कर रहा हूँ। यूपी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर करें, क्योंकि हमें बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए। तो अगर आप इसे शेयर करोगे तभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में सपोर्ट मिल रहा होगा और यूपी गवर्नमेंट के कानों तक हमें ये आवाज़ पहुंचानी है। तो चलिए बात कर लेते हैं गलतियां क्या की हैं यूपी गवर्नमेंट ने। तो जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि यूपी गवर्नमेंट एक स्कॉलरशिप देती है सभी स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए। स्कॉलरशिप की लास्ट डेट 7 नवंबर थी। 7 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के लिए। तो यार मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अभी हमारी यूपी टेक की काउंसलिंग चल रही है, बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लाखों स्टूडेंट्स ने एडमिशन नहीं लिया है, तो वो उस स्कॉलरशिप को कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा इंटरनल स्लाइडिंग राउंड जिसका भी रिजल्ट तक नहीं आया, अभी भी काउंसलिंग चल रही है, तो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं 7 नवंबर से पहले पहले, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है, गवर्नमेंट इतनी जल्दी रजिस्ट्रेशन क्लोज क्यों करती है। अगर लाखों स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी तो गवर्नमेंट का फायदा क्या हुआ इस स्कॉलरशिप को निकालने का। अब हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बीटेक की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हर साल बीटेक की फीस बढ़ती जा रही है, 1 लाख, फिर 1.5 लाख, अब 2 लाख। 1.5 से 2 लाख तक फीस हो चुकी है सभी बीटेक के कॉलेजेस की। बहुत सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस फीस को, तो वो यूपी गवर्नमेंट से मिलने वाली स्कॉलरशिप के ऊपर डिपेंड हो करके ही बीटेक में एडमिशन ले रहे थे। अब अगर उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो वो कैसे पढ़ पाएंगे, उनका भविष्य तो खत्म हो जाएगा। तो यार ऐसे ही सभी स्टूडेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्कॉलरशिप की, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हमें लड़ना है गवर्नमेंट से अपने हक के लिए। सभी स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में इस वीडियो को शेयर करो। और जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके कि उनका 7 नवंबर को क्लोज हो गया है। ये यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की वो 7 नवंबर थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 नवंबर जो आपकी लास्ट कर दी गई है, और 10 नवंबर तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने कॉलेज में देने हैं, जिससे आपकी स्कॉलरशिप वेरी भी बहुत। जैसे कि अभी हमारी UPTU की काउंसलिंग चल रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, तो वो सारे स्टूडेंट्स कैसे इस स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आप सभी स्टूडेंट्स को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाना होगा, गवर्नमेंट से हमें रिक्वेस्ट करनी होगी कि सर प्लीज़ इस डेट को एक्सटेंड कर दीजिए, जिससे कि हम सभी को हमारी स्कॉलरशिप मिल सके। तो चलिए चलते हैं ट्विटर पर जा करके इसको ट्रेंड कराते हैं। अगर आप इसे ट्रेंड कराओगे, इसे रीट्वीट करोगे, तो हो सकता है कि ये गवर्नमेंट के कानों तक आवाज़ पहुंचे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को 1-1 लाख से ऊपर स्कॉलरशिप मिलती थी, जिसकी वजह से वो अपने आराम से 4 साल तक बीटेक जैसे कोर्सेज में पढ़ पाते थे। लेकिन अब अगर उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो वो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उनकी इकोनॉमिकली इतने स्टेबल नहीं है, उनके पेरेंट्स इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है कि वो बीटेक जैसे कोर्सेज में 1.5-2 लाख रुपये साल के अकॉर्डिंग पढ़ा पाए। तो यार हम सभी को सपोर्ट करना पड़ेगा, हम सभी को अपने हक के लिए लड़ना होगा, रिक्वेस्ट करनी होगी यूपी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इस स्कॉलरशिप की डेट्स को एक्सटेंड कर दीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन नहीं लिया है। तो चलिए आज हम अभी की अभी जा करके ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं ट्वीट। जैसा कि आप ट्विटर पर देख सकते हो, ये मेरी प्रोफाइल है नितिन ठाकुर के नाम से, यहाँ पर आज हम ट्वीट करने वाले हैं। ये ट्वीट है आपका, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जा कर के रीट्वीट करना है, अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट्स
यूपी ट्यू में हैं, स्कॉलरशिप यूपी की लेना चाहते हैं, इसको रीट्वीट कराइए जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड करे और कम से कम यूपी गवर्नमेंट के पास हमारा ये मैसेज पहुँचे। आप सभी स्टूडेंट्स को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाना होगा, सभी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना होगा, इसको रीट्वीट कराना होगा, तभी हमारी आवाज़ उन तक पहुँचेगी और रजिस्ट्रेशन की डेट्स एक्सटेंड होंगी। तो इसे अब हम ट्वीट कर देते हैं। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जा करके ट्विटर अकाउंट से इसको रीट्वीट कराइए, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने पेरेंट्स को शेयर कीजिए जिससे कि वो इस वीडियो को आगे शेयर कर सकें और इस वीडियो को गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए कि आज हमारी बात वो सुन सकें। आपको मेरे ट्विटर अकाउंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ट्विटर अकाउंट पर जा करके मैंने जो ट्वीट किया है उसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड कराइए जिससे कि यूपी गवर्नमेंट के कानों तक आवाज़ पहुँचे और वो रजिस्ट्रेशन की डेट्स को एक्सटेंड कर सकें।